हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ साड़ी में हैंगी को कैसे टक करेंगे, उसी के कुछ स्टेप आपके साथ शेयर करूंगी। और फ्रेंड्स, ये जो मेरी वीडियो है वो रिक्वेस्टेड वीडियो है, मेरे फ्रेंड्स की रिक्वेस्ट थी कि मैं इस तरीके की वीडियो आपके साथ शेयर करूँ। तो आज मैं वही वीडियो आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। और फ्रेंड्स, मैं फर्स्ट टाइम ये हैंगी टक की वीडियो बना रही हूँ, कि आशा करती हूँ कि आज की जो वीडियो है वो आप लोग को पसंद आएगी। पसंद आने के बाद आप लाइक करना बिल्कुल कंजूसी नहीं करना, और साथ में शेयर करना भी बिल्कुल नहीं भूलना। हाँ, और जो भी मेरे नए फ्रेंड्स हैं मेरे चैनल पे, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलना नहीं। तो चलो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने देखो लिया है वाइट कलर की हैंकी, और ये मैं आज ये जीन्स की हैंकी मैं उसमें दिखा रही हूँ, क्योंकि बस लेडीज हैंकी बहुत स्मॉल साइज में थी, इसलिए मैं इसमें आपको दिखा रही हूँ। और आप तो चलो, ये देखो मैंने इस हैंकी को पूरा ओपन कर दिया, ये वाइट कलर की है और थोड़ा कलरफुल होती है तो बहुत अच्छा लगता है। तो फर्स्ट स्टेप, आप हैंगी को पूरा इस तरीके से करके खोलेंगे, उसके बाद इस तरीके से इसको पलेंगे और इस तरीके से आप यहाँ पे अपने टक कर लेंगे, इस तरीके से। अगर आप चाहते हैं कि आप चाहते हो कि आपके जो हैंकी टक, अगर आप चाहते हो कि आपकी हैंकी टक और आपकी हैंकी दिख रही है, तो आप इस तरीके से हैंकी को देखो, आपको यहाँ से नीचे से हैंकी दूरी दिख रही है। थोड़ा सा फ्रेंड्स, आप लोग कॉपरेट करना, थोड़ा कैमरे की सेटिंग जैसे थोड़ा दम होगा इसलिए थोड़ा सा डिफरेंट आया, उसको आप एडजस्ट कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा बस ठीक से करूँ, तो यहाँ पे देखो पॉइंट पे रहते, तो यहाँ पे देखो ये इस तरीके से आप हैंकी टक कर सकते हो, एडजस्ट करते हो। और अब दूसरा स्टेप जो है, मैंने हैंकी को इस तरीके से लिया है, सीधी हैंकी लेंगे और उसको इस तरीके से प्लेट्स में बना लेंगे, बराबर कर लेंगे। मेरी हैंकी थोड़ी वाइट है इसलिए थोड़ा कम जम रही होगी, लेकिन अगर आपकी हैंकी पूरी कलरफुल होगी तो ये काफ़ी प्यारा लगेगा। देख सकते हैं इस तरीके से आपने इसको सेट कर लिया है। तो देख सकते हैं इस तरीके से आपने सेट कर लिया है। अगर आपकी हैंकी कलरफुल भी तो वो बहुत प्यारी लगेगी, मेरी तो वाइट है लेकिन फिर भी अच्छी लग रही है। तो आप इस तरीके से इस हैंकी को लेके आप इस तरीके से यहाँ पे लेफ्ट साइड में इस तरीके से आप टक कर सकते हैं, ठीक है? कितना अच्छा है, अगर ये कलरफुल होगा तो ये और भी प्यारा लगता है, आप देख सकते हैं इस तरीके से। तो ये आपका सेकेंड स्टेप था, ऐसा सेट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने इस हैंकी को इस तरीके से सीधा लिया, उसको इस तरीके से रख लिया, इस तरीके से करने के बाद आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। अभी तो फिलहाल व्हाइट हैंकी में ही शेयर कर रही हूँ, इसलिए इस तरीके से आपने कर लिया। अगर ये कलरफुल होती तो इस तरह से आप यहाँ प्रिंट होता तो भी अच्छा लगता, और इस साइड प्रिंट होती तो भी अच्छा। आप इस तरीके से लेके इसको यहाँ पे इस तरीके से भी टक कर सकते हो, बहुत ही ये भी अच्छा लगेगा। कलरफुल होती तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता, इस तरीके से देख सकते हैं आपने टक कर लिया, कितना अच्छा लगता। और पूरा एकदम सिंपल स्टेप्स हैं। आप
इस तरीके से लेके इसको इस तरीके से फोल्ड कर दें और इसको भी इस तरीके से फोल्ड करके इस तरीके से इस तरीके से भी टक कर सकते हैं। काफी अच्छा लगा ये स्टाइल को। देख सकते हैं आप हैंकी को इस तरीके से कर लिए और इसका कॉर्नर यहाँ पे और इस कॉर्नर को यहाँ पे इस तरीके से हो गया। ये वो वाला कॉर्नर दूसरा था, ये वाला मैं आपको इस तरीके से बता रही हूँ। इस तरीके से लिया, पीछे कर दिया इस तरीके से, मैंने साइड से बनाया इस तरीके से और फिर यहाँ इस तरीके से चेक कर लिया इस तरीके से। आप राइट भी कर सकते हो, लेफ्ट कर राइट भी इस तरीके से कर सकते हो। और आप अगर आप चाहते भी आपके हैंकी दिखे ना तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो आराम से। आपको जो जरूरत लगेगी तो ये पता चलेगा तो आपको पता लगेगा और आपकी लाइफ स्टाइल है तो उसमें दिखता रहेगा। देख सकते हैं आप इस तरीके से लेके इसको, ये मेरा 9 नंबर स्टिक है, इस तरीके से 10 इस तरीके से आपने ले लिया और इसको इस तरीके से कर लिया स्क्वायर ट्रायंगल शेप और इस तरीके से आपने यहाँ पे लेफ्ट साइड में रखा और इसी तरीके से आप इसे राइट में भी टक्का सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपके हैंगे दिखे ना तो आप इस तरीके से राइट में भी टक्का सकते हो और आपके आराम सारे के नीचे और आपको किसी और को दिखेगी। लास्ट एंड फाइनल में एक और स्टिप से पीछा सिल्क में जो बहुत ही अच्छा लगेगा और ये वाइट हैंकी है तो वो मुझे अच्छा लग रहा था, मान लो अगर ये थोड़ी कलरफुल होती तो भी अच्छा। आपने इसे हैंकी को पूरा खोल लिया, ओपन कर लिया और आपको यू इसका कॉर्नर पकड़ना है और इसको जैसे आपने वो हम फोल्ड करते हैं ना फोर साइड में उस तरीके से फोल्ड देखें ना, आपको इस तरीके से करना है और इसको इस तरीके से फ्लावर से देखें कितना प्यारा लगा देख सकते हैं और इसको आराम से यहाँ पे आपने कितना अच्छा लग रहा है। अगर सोचो ये हैंकी प्रिंटेड होती तो और प्यारी लगती और ये काफी अच्छी ये वाइट में भी अच्छी लग रही है। देख सकते हैं क्लोज आपको आके देख सकते हैं थोड़ा एक्चुअली फ्रेंड लाइटिंग कैमरे का फर्क पड़ा है देखो इस तरीके से आप यहाँ पे कितना अच्छा लग रहा है और इसी तरीके से आप लाइट में भी लगा सकते हो। और फ्लावर से मेरे जैसे कि हमने ऐसे साड़ी पहनी तो ये देखो कितनी अच्छी लगती है वो आती है इस तरीके से साड़ी पहनने का पता होगा अगर लोगों के वो एक्टर्स लोग देख के सबका अलग अलग होता है कि हम इस तरीके से वेयर करते हैं तो बहुत तरीके से वेयर करते हैं। तो अगर उन्होंने साड़ी इस तरीके से जैसे मैंने बताया कि इस तरीके से पतली स्टिक में पहनी है तो अगर वो चाहते हैं तो इस तरीके से उन्होंने राइट में लगाया तो भी अच्छा गया और इस तरीके से आपने लेफ्ट में लगाया तो भी अच्छा गया। तो फ्रेंड्स ये रहा मेरी कुछ स्टेप सिंपल और इजी स्टेप थे हैंकी के। तो फ्रेंड्स ये मेरे कुछ इजी सिंपल और इजी स्टेप थे हैंकी को साड़ी में आसानी से टक करने का जो मैंने आपके साथ शेयर किया। हो फ्रेंड कि आपको ये साड़ी में हैंकी टक की वीडियो पसंद आई होगी, तो पसंद आई होगी तो लाइक और शेयर जरूर कर देना फ्रेंड्स लोग के साथ और मुझे फुल सपोर्ट करना ताकि मैं इस तरीके की और भी चैलेंजिंग वीडियो आपके साथ शेयर करती रहूँ। आज की वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ और वीडियो कैसी लगी मुझे कॉमेंट में जरूर बताना और जिन फ्रेंड्स की रिक्वेस्ट है आप भी कॉमेंट कर देना और मुझे बताना कि आपको ये साड़ी में हैंकी टक करने की वीडियो कैसी लगी। तो चलो फ्रेंड्स यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, बाय बाय।